हेलो फ्रेंड्स, आई एम कंचन चौधरी। आपका हमारे चैनल लर्न वाई वॉच में स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं लौटी हूँ फिर से एक गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन के साथ, जो है एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं 2019 में, और इन पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। साथ के साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये पोस्ट स्पेशली इंजीनियर्स के लिए निकाली गई हैं, और सैलरी पैकेज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रखा गया है इन पोस्ट पर। एंड दोस्तों, सबसे अच्छी बात ये है, इन पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ एक ही रिटन एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है, सबमिशन के लिए लास्ट एंड स्टार्ट डेट कब है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे अपने इस वीडियो में आपको डिटेल में देने वाली हूँ, तो आप अंत तक दोस्तों मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या पोस्ट से रिगार्डिंग डिटेल्स के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हम जॉब टाइप क्या रखा गया है इन पोस्ट के लिए। सेकेंडली हम जानेंगे कि एज लिमिट क्या रखी गई है। थर्ड वन है पे स्केल, यानी कि क्या सैलरी मिलने वाली है आपको इन पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद। फोर्थ वन है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है इन पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए। फिफ्थ वन है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है इन पोस्ट के लिए, यानी कि जो रिटन एग्ज़ाम आपका होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। सिक्स्थ वन है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि क्या एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है इस पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। सेवन्थ वन है दोस्तों एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं आपसे जिससे आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड एट्थ वन है दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट्स, यानी कि इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स होंगी वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पॉइंट को डिटेल में जानते हैं, जो है जॉब टाइप, यानी कि क्या क्या जॉब टाइप रखी गई हैं इस रिक्रूटमेंट पर। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इस फॉर्म का नाम स्टार्टिंग में बताया कि एसएससी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019, यानी कि बहुत सारी पोस्ट निकली हैं इस रिक्रूटमेंट पर, तो उन सारे पोस्ट के हम नाम जान लेते हैं एक बार, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, जॉब टाइप कुछ इस तरह से रखा गया है, कैटेगरी नेम एंड पोस्ट नेम, जिसमें जो सबसे पहली कैटेगरी रखी गई है इस पोस्ट के लिए कैटेगरी नंबर वन, और पोस्ट नेम है उसका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर। सेकेंड वन है दोस्तों कैटेगरी नंबर टू, और इसका पोस्ट नेम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। थर्ड वन है दोस्तों कैटेगरी नंबर थ्री, और इसका पोस्ट नेम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर। फोर्थ है कैटेगरी नंबर फोर, और इसका पोस्ट नेम है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर। एंड फिफ्थ है कैटेगरी नंबर फाइव, इसका पोस्ट नेम है अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर। सिक्स्थ वन है दोस्तों कैटेगरी नंबर सिक्स, जूनियर प्रोग्रामर पोस्ट। एंड सेवेंथ वन है कैटेगरी नंबर सेवन, जिसका पोस्ट नेम है कंप्यूटर ऑपरेटर। अगला जॉब टाइप है दोस्तों कैटेगरी नंबर एट, जिसका पोस्ट नेम है कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर टेक्नीशियन। अगला है दोस्तों कैटेगरी नंबर नाइन, जिसका पोस्ट नेम है टेक्निकल असिस्टेंट। एंड नेक्स्ट है कैटेगरी नंबर टेन, जिसका पोस्ट नेम है स्टोर कीपर। कैटेगरी नंबर इलेवन का पोस्ट नेम है दोस्तों लाइब्रेरियन। कैटेगरी नंबर 12 का है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर। सेकेंड लास्ट कैटेगरी नंबर 13 का पोस्ट नेम है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज वुमेन हेयर एंड स्किन केयर। एंड लास्ट एंड 14 कैटेगरी नंबर का पोस्ट नेम है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर इंचार्ज वुमेन। तो ये 14 टाइप की कैटेगरी वाइज पोस्ट रखी गई है इस रिक्रूटमेंट पर। दोस्तों, आपको इनमें से जिस भी पोस्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आगे आपसे इन्हीं पोस्ट के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों एज लिमिट का, कि क्या मिनिमम और मैक्सिमम एज रखी गई है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मिनिमम एज है दोस्तों 17 ईयर्स, यानी कि जो 17 ईयर्स के नीचे के कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम एज है दोस्तों 42 ईयर्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स 42 ईयर क्रॉस कर चुके हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 17 से 42 ईयर्स के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों पे स्केल का,
यानी कि क्या सैलरी पैकेज मिलने वाला है आपको इस रिक्रूटमेंट पर सिलेक्ट होने के बाद। तो देख लेते हैं क्या पे स्केल है। पे स्केल रखा गया है दोस्तों 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज, यानी कि बहुत अच्छा पे स्केल रखा गया है दोस्तों इस रिक्रूटमेंट पर इन पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद, जिसमें आपको साथ के साथ 3,600 रुपए एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम 1,12,400 रुपए को कंसिडर ना करके सिर्फ 35,400 रुपए को भी कंसिडर करें, जो कि इन पोस्ट पर स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी, तो ये भी काफी अच्छा पैकेज आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिक्रूटमेंट को जरा भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो काफी अच्छी आपकी मंथली सैलरी बन जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस दो एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि हैं एग्जाम नंबर 1 रिटन एग्जाम एंड एग्जाम नंबर 2 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, जिनमें रिटन एग्जाम के जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं वो है 90 मार्क्स और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस में जो टोटल मार्क्स हैं वो है 10 मार्क्स। तो यानी कि आपको रिटन एग्जाम में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप सेकंड वाले एग्जाम पर ध्यान ना दें, क्योंकि 10 मार्क्स ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो सिर्फ एक ही होगा, जो कि 90 मार्क्स का होगा, और सेकंड जो एग्जाम होगा वो मुझे लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर होगा, आपसे वर्बली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब साथ के साथ दोस्तों मैं आपको रिटन एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता देती हूँ, जो है द रिटन एग्जामिनेशन विल बी आइदर ऑन OMR शीट बेस्ड और ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड। यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो एक तो OMR शीट के बेसिस पर हो सकता है या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों में से किसी भी मोड में आपका रिटन एग्जाम हो सकता है। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस इस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के लिए। बाकी दोस्तों ये दोनों एग्जाम जब आप क्लियर कर लेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे इनमें, उसके बाद मेरिट के बेसिस पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें इन एग्जाम्स में, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ पाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगली जानकारी पर। अगला है दोस्तों एग्जाम पैटर्न, कि क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है रिटन एग्जाम का। तो वो दोस्तों कुछ इस तरह से रखा गया है, जिसमें आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। इन सारे सब्जेक्ट्स के दोस्तों जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखे गए हैं वो है 75%। ठीक है, एंड जो सेकेंडली सब्जेक्ट्स हैं आपके वो है हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, एजुकेशन ऑफ हरियाणा, जिनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखे गए हैं 25%, यानी कि टोटल हो गया दोस्तों 90 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको अपने सिलेक्शन प्रोसेस में बताया था कि जो रिटन एग्जाम होगा वो आपका 90 मार्क्स का होगा, जिनके सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एंड दोस्तों एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया होगा, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और आपको करेक्ट वन उसमें से चूज करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली जानकारी पर। अगली जानकारी है दोस्तों एप्लीकेशन फीस, कि क्या एप्लीकेशन फी रखी गई है इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन फी हमेशा कैटेगरी वाइज रखी जाती है, तो इस रिक्रूटमेंट पर भी कैटेगरी वाइज ही रखी गई है। तो सबसे पहली कैटेगरी है जनरल मेल ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के मेल्स हैं उनके लिए एग्जाम फी है 150 रुपये। सेकेंड है दोस्तों जनरल फीमेल ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा की जनरल कैटेगरी की फीमेल्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी रखी गई है 75 रुपीज। अगला है दोस्तों SC मेल ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा के SC कैटेगरी के मेल्स हैं उनके लिए एग्जाम फी है 35 रुपीज। अगला है दोस्तों SC फीमेल ऑफ हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा की SC कैटेगरी की फीमेल्स हैं उनको इस फॉर्म को भरने के लिए 18 रुपये एग्जाम फी देनी है। एंड लास्ट वन है दोस्तों अदर स्टेट्स मेल एंड फीमेल, यानी कि जो हरियाणा से अदर स्टेट के मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनको इस फॉर्म को भरने के लिए 150 रुपये पे करने होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, कि
पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। यानी कि आप अपनी जो एग्जाम फी है वो डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली जानकारी पर। अगली जानकारी है दोस्तों एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं इस रिक्रूटमेंट पर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई होंगी। तो देख लेते हैं कि क्या कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है आपके लिए। तो वो है कुछ इस तरह, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी गई हैं। और सबसे पहली कैटेगरी है इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर, और उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ 2 ईयर प्रैक्टिकल एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि जो हरियाणा स्टेट के डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में। अगली कैटेगरी है दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ 2 ईयर्स प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। इसमें भी दोस्तों कंप्यूटर साइंस में 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, वो भी हरियाणा स्टेट से ही, एंड साथ के साथ 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, अगली कैटेगरी है दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंस्ट्रक्टर, जिसकी क्वालिफिकेशन मांगी है फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि जिन कैंडिडेट्स के पास BBA और MBA की डिग्री है, वो भी फुल टाइम रेगुलर मोड की, मतलब कि आपने रेगुलर क्लासेस ली हैं उसके लिए, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ के साथ दोस्तों यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, यानी कि इस पोस्ट के लिए बाउंडेशन नहीं लगाई गई है कि सिर्फ आपके पास हरियाणा स्टेट की यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन में, जो है हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। यानी कि आपने अपनी मैट्रिक की स्टडी हिंदी या फिर संस्कृत से पास की होनी चाहिए, और ये क्वालिफिकेशन दोस्तों हर पोस्ट के लिए मांगी गई है। तो खास ध्यान रखिएगा, अगर आपने हिंदी से नहीं किया है अपना मैट्रिकुलेशन तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पर। अगली कैटेगरी है दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रक्टर की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद 2 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि उन्होंने अपना डिप्लोमा हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से किया होना चाहिए, साथ के साथ उनसे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है टीचिंग में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी पर। अगली कैटेगरी है दोस्तों अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विद 2 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल्स में डिप्लोमा किया है हरियाणा स्टेट बोर्ड से, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगली कैटेगरी है दोस्तों जूनियर प्रोग्रामर की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और रेगुलर फर्स्ट डिवीजन मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टेशनरी बोर्ड और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफ रेप्यूट। यानी कि जिन कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्त यह है कि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर। अगली कैटेगरी है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन
सेकेंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. थर्ड डेटा पंचिंग स्पीड ऑफ 800 की डिप्रेशन पर ईयर, यानी कि इस पोस्ट के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने 12th पास की है किसी भी इंस्टीट्यूट से और साथ के साथ डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में हरियाणा स्टेट बोर्ड से, साथ के साथ उनकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स होनी चाहिए. अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी के लिए. अगली कैटेगरी है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर टेक्नीशियन, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है 10+2 विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि कैंडिडेट ने अपनी 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री से पास की होनी चाहिए. सेकेंडली 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास कंप्यूटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, वो भी हरियाणा स्टेट बोर्ड का. साथ के साथ 2 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा गया है रेप्यूटेटेड कंपनी का, जो कंपनी अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आई होनी चाहिए. अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ. तो अगली कैटेगरी है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों कि कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर, और वो भी हरियाणा स्टेट बोर्ड का. साथ के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है टीचिंग में. तो इस टाइप के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगली कैटेगरी है दोस्तों स्टोर कीपर की, जिसका क्वालिफिकेशन रखा गया है कि उसके पास फुल टाइम रेगुलर मोड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स विद मैथ की और या फिर इकोनॉमिक्स में. साथ के साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि ये सारी डिग्रीज में मिनिमम 55% मार्क्स स्कोर किए होने चाहिए उस कैंडिडेट ने एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टोर को संभालने का या फिर स्टॉक बुक एंड लेजर्स को संभालने का या फिर उस कैंडिडेट ने अकाउंट वर्क संभाला हो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, वो भी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में या फिर किसी फर्म या कंपनी में, पर वो रेप्यूटेड होनी चाहिए और साथ के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में. ठीक है, तो इस टाइप के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं. अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की तरफ. अगली कैटेगरी है दोस्तों लाइब्रेरियन की, और उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेकेंड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जूनियर लाइब्रेरियन इन एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और साथ के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर लाइब्रेरियन का किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का. ठीक है, तो इस टाइप के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगली कैटेगरी है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर एंड अप्रेंटिसशिप सुपरवाइजर की, जिसकी क्वालिफिकेशन मांगी है 2 ईयर प्रैक्टिकल टीचिंग एक्सपीरियंस इन द कंसर्न ट्रेड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट और इन अ रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन. यानी कि जिन कैंडिडेट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में किसी रेप्यूटेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर आता हो, इस टाइप के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगली कैटेगरी है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर इन चार्ज वुमेन हेयर एंड स्किन केयर, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है कि फुल टाइम या फिर रेगुलर मोड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए ब्यूटी कल्चर की या फिर ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग की फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. इनमें से किसी भी सेक्टर की बैचलर डिग्री है अगर कैंडिडेट के पास तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी और प्रैक्टिकल और टीचिंग में. ठीक है, तो उस टाइप के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं. अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पर. अगली कैटेगरी है दोस्तों ग्रुप इंस्ट्रक्टर इन चार्ज वुमेन की, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है कि कैंडिडेट के पास फुल टाइम या फिर रेगुलर मोड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए अप्रैल और ड्रेस डिजाइन और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और फैशन टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. तो इनमें से किसी भी सेक्टर की अगर बैचलर डिग्री है
कैंडिडेट के पास, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बस शर्त ये है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को सुपरवाइजरी, प्रैक्टिकल या फिर टीचिंग में, वो भी एक रेप्यूटेड इंडस्ट्री और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो इस टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है पोस्ट वाइज इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो आपके पास जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी पर। अगली जानकारी है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या स्टार्टिंग और लास्ट डेट रखी गई है इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो सबसे पहली है दोस्तों, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 जनवरी 2019। यानी कि दोस्तों आप आज से ही इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली है दोस्तों, क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18 फरवरी 2019 बाय 11:59 PM। यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो है 18 फरवरी 2019। अगली इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी इज 21 फरवरी 2019 बाय 11:59 PM। यानी कि जो लास्ट डेट है आपको एग्जाम फी भरने की, वो है 21 फरवरी 2019। इस डेट के बाद आप एप्लीकेशन फी पे नहीं कर सकते और ना ही इसका एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जरूरी जानकारी थी इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि हम अप्लाई कहाँ से करें इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो जैसा कि हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करते हैं आपको, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका होता है, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में डिटेल में देंगे, तो आप हमारा अगला वीडियो मिस मत करिएगा। एंड दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको अभी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी फ्रेंड इस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन से अनजान ना रह जाए। तो इसीलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों हमें भी ऐसा लगेगा कि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक पहुँच रही है, और हमें ऐसी और वीडियोस कैंडिडेट्स के लिए बनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अपने अगले किसी और वीडियो में, जहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड किसी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ लौटूंगी आपके पास। थैंक यू।